Hi friends, welcome to English Study Point. Today in this lecture, I am going to talk about Alexander Pope. And friends, Alexander Pope has published Essay on Criticism, which is very important if you are preparing for UGC NET English Literature exams. And I will be talking about that work in the next lecture. But now in this lecture, I am focusing on his introduction as well as his one work, that is Dunciad. So let's start. And friends, I am explaining in Hindi. He was an Enlightenment age critic. So friends, he, like John Dryden, also belongs to Enlightenment age. So we associate him under the category of Enlightenment age critic. He loved classic works from the beginning. कि Alexander Pope को जो है classic works पढ़ना बहुत अच्छा लगता था. And इन्होंने जो है Virgil की Pastoral को read किया है, हॉरेस के सटायर्स को रीड किया है, होमर और वर्जिल की एपिक्स को रीड किया है. तो इन्हें जो है क्लासिकल वर्क्स में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था. एंड ये जो है एंशंट राइटर्स से जो है ज़्यादा प्यार करते थे, क्योंकि एंशंट राइटर्स के वर्क में इन्हें जो है ओरिजिनलिटी नज़र आती थी, जो कि इन्हें मॉडर्न राइटर्स के वर्क में नहीं आती थी. अकॉर्डिंग टू पोप, एंशंट राइटर्स आर वे बेटर देन द मॉडर्न राइटर्स. कि पोप ऐसा सोचते थे कि एंशंट राइटर्स जो है वो मॉडर्न राइटर्स के कंपेरिजन में ज़्यादा बेटर है. एंड फिर अब हम बात करेंगे कि पोप जो है अपने वर्क्स में किस तरह की स्टाइल ऑफ राइटिंग को यूज़ करते थे. सो ये हीरोइक कपलेट को यूज़ किया करते थे अपने एपिक में. सो इन्होंने एक एपिक लिखा था जिसका नाम था रेप ऑफ द लॉक. सो उसमें जो है इन्होंने हीरोइक कपलेट का यूज़ किया है. एंड हीरोइक कपलेट को इसलिए यूज़ करते थे ताकि ये हीरोइक थीम्स को जो है रीडर्स के सामने मतलब पोर्ट्रे कर सके. दिस सजेस्ट पोप वॉज पर्टिकुलर अबाउट रिदम एंड मीटर. कि अलेक्जेंडर पोप का अपने एपिक्स में हीरोइक कपलेट का यूज़ करना ये सजेस्ट करता है कि रिदम मतलब पोप जो थे अपने वर्क्स में रिदम और मीटर को लेकर के बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर थे. सो ये पर्टिकुलर रिदम और मीटर को यूज़ करते थे अपने वर्क को क्रिएट करते समय. देन पोप वॉज नॉट अ लिबरल क्रिटिक. प्लीज़ रिमेंबर दिस कि पोप जो थे एक लिबरल क्रिटिक नहीं थे, क्योंकि पोप जो थे वो चाहते थे कि जो भी राइटर्स हों वो जो है एंशंट थीम्स रिदम और मीटर को पढ़कर जो है अपने वर्क्स को क्रिएट किया करें. पोप वॉन्टेड राइटर्स टू अधेयर बाय द एंशंट थीम्स मीटर एंड रिदम. पोप हैड अ फ्रेंडशिप विद अ लॉट ऑफ राइटर्स. कि पोप की जो फ्रेंडशिप थी वो उन सारे राइटर्स से थी जो कि मॉडर्न जो पोप की तरह मॉडर्न राइटर्स को हेट किया करते थे. एंड इन सब लोगों ने मिलकर पोप और मतलब उन राइटर्स ने जो कि मॉडर्न राइटर्स को हेट करते थे, सो उन सब ने मिलकर एक ग्रुप को फॉर्म किया जिसका नाम इन्होंने दिया स्क्रिबलेरस क्लब. देन स्क्रिबलेरस क्लब 18th century ब्रिटिश लिटरेरी क्लब. सो स्क्रिबलेरस क्लब क्या था? एक 18th century में कंस्ट्रक्ट किया गया लिटरेरी क्लब था जिसके फाउंडिंग मेंबर्स जो थे वो ब्रिलियंट टोरीज थे, जिनमें इंक्लूड होते हैं अलेक्जेंडर पोप, जोनाथन स्विफ्ट, जॉन गे, थॉमस पर्नल एंड जॉन अर्बुथनॉट. देन दे डेडिकेटेड देमसेल्स टू द मॉकरी ऑफ फॉल्स लर्निंग. सो ये जो इन लोगों ने जो ग्रुप फॉर्म किया था, सो इन्होंने जो है इस ग्रुप को फॉर्म करते वक्त उन लोगों की तरफ मॉक किया, उन मॉडर्न राइटर्स की तरफ मॉक किया जो कि अपने वर्क्स में फॉल्स लर्निंग के बारे में डिस्क्राइब करते हैं. देन दे ऑल हेटेड पीपल हु डिड नॉट अबाइड बाई द वर्क्स ऑफ एंशंट राइटर्स. कि ये लोग जो है उन सारे ही राइटर्स को मतलब से नफरत किया करते थे जो कि एंशंट राइटर्स को ध्यान में रखकर अपने वर्क को क्रिएट नहीं किया करते थे. जैसे अब जो है प्लीज़ रिमेंबर दिस कि पोप जो थे हर किसी को मतलब क्रिटिसाइज करते थे, बट उन्होंने जो है पोप ने दो लोगों की तारीफ़ की, दो राइटर्स की तारीफ़ की जिनका नाम है फ्रांसिस बेकन. सो पोप फ्रांसिस बेकन के बारे में क्या कहते हैं? ही इज़ द वाइसेस्ट ब्राइटेस्ट एंड मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड. कि फ्रांसिस बेकन के बारे में पोप बताते हैं कि फ्रांसिस बेकन जो थे वो वाइसेस्ट थे, ब्राइटेस्ट थे और मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड थे. देन शेक्सपियर के बारे में पोप बताते हैं कि ही ग्रू इमॉर्टल इन हिज ओन डिस्पाइट. सो फ्रेंड्स, ये सारी वो कोट्स है जो कि यूजीसी नेट में पूछी जाती है. एंड फ्रेंड्स, प्लीज़ रिमेंबर दिस. नाउ अलेक्जेंडर पोप फोकस ऑन क्रिटिसाइजिंग पीपल एंड पिकिंग आउट फॉल्ट्स इन ईच एंड एवरी इंडिविजुअल. कि अलेक्जेंडर पोप का काम ये था कि हर किसी को क्रिटिसाइज करना एंड हर एक इंडिविजुअल के अंदर फॉल्ट्स यानी कमियां ढूंढना. देन अब हम बात करेंगे
पोप के फेमस वर्क्स के बारे में। सो सबसे पहला इनका वर्क था पेस्टोरल। ये एक तरह की सीजनली थीम्ड पोयम है जिस जो कि वर्जिल की इकोलॉग की तरह है। सो इट इज़ सिमिलर टू वर्जिल्स इकोलॉग। देन पोप ने जो है होमर की इलियड को ट्रांसलेट किया था एंड पोप ने जो है इस ट्रांसलेशन को 6 ईयर्स में कंप्लीट किया था। देन साथ ही साथ पोप ने ओडिसी को भी ट्रांसलेट किया था। एंड इन सभी के कारण जो है पोप की फॉर्च्यून और साथ ही साथ फेम फ्लरिश हुआ। जैसे इन सभी को मतलब पब्लिश करने के बाद या फिर ट्रांसलेशन के बाद जो है पोप जो है को ज़्यादा फेम मिला एंड साथ ही साथ इनकी फॉर्च्यून भी जो थी काफ़ी फ्लरिश करने लगी। और साथ ही साथ जो ट्रांसलेशन इलियड का था वो हम देखते हैं 1715 से 1720 के बीच में जो है अपीयर हुआ। देन सैमुअल जॉनसन कमेंटेड ऑन पोप्स ट्रांसलेशन। सो मैंने अभी आपको बताया था कि पोप ने जो है इलियड और ओडिसी को ट्रांसलेट किया था। सो उस पर जो है सैमुअल जॉनसन ने कमेंट करते हुए बोला कि पोप ने जिस तरह से इलियड और ओडिसी को ट्रांसलेट किया है सो पोप की ये परफॉर्मेंस जो है वो विच नो एज और नेशन कुड होप टू इक्वल। कि किसी भी एज का राइटर या फिर किसी भी नेशन में रहने वाला किसी भी एज का रहने वाला राइटर जो है पोप की बराबरी नहीं कर सकता। ऐसा सैमुअल जॉनसन ने पोप के ट्रांसलेशन को पब्लिश करने के बाद ऐसा कमेंट किया था। देन स्कॉलर रिचर्ड बेंटले सेड फॉर पोप कि उसके बाद जो है रिचर्ड बेंटले ने पोप के बारे में क्या कहा, इट इज़ अ प्रिटी पोएम। कि वो मतलब वो कमेंट करके बताते हैं कि होमर की जो इलियड है वो एक तरह का एपिक था। सो एपिक पोयम थी। सो रिचर्ड जिस तरह से पोप ने ट्रांसलेट किया इलियड को तो रिचर्ड बेंटले कमेंट करके बोलते हैं कि यस वो इट इज़ अ प्रिटी पोयम मिस्टर पोप बट यू मस्ट नॉट कॉल इट होमर। कि मतलब रिचर्ड बेंटले कहना चाहते हैं कि आप जो है ये नहीं कह सकते कि मतलब इस पोएम को ट्रांसलेट करने के बाद आपको हम ऐसे नहीं एसोसिएट करते कि आप होमर बन गए। इतनी अच्छी तरह से ट्रांसलेशन करने के बाद हम जो है आपको ये नहीं मतलब एसोसिएट कर सकते कि आप होमर की तरह हो। सो ऐसा कहकर जो है पोप बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए और फिर पोप ने जो है रिचर्ड बेंटले के वर्क्स को भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। देन ही प्रोड्यूस्ड एन एडिशन ऑफ शेक्सपियर वर्क। सो पोप ने जो है शेक्सपियर के वर्क का एडिशन प्रोड्यूस किया था जो कि कंप्लीट किया गया था पोप द्वारा 1725 में। देन अब हम बात करते हैं पोप का लिखा गया वर्क डनसियड। सो हम इस वर्क को जो है लिटरेरी क्रिटिसिज्म की लाइट में देखेंगे। सो इन दिस वर्क पोप सेटायर ऑन हैक आर्टिस्ट। कि इस वर्क में जो है डनसियार्ड वर्क में पोप जो है सटायर करते हैं हैक आर्टिस्ट। सो हैक आर्टिस्ट कौन होते हैं? जो लोग हैक आर्टिस्ट वो लोग होते हैं जो कि पैसों के लिए लिखा करते हैं और उन्हें जो है उनके अंदर कोई आर्टिस्टिक वैल्यू नहीं होती है। उनके अंदर जो है इमेजिनेशन करने की पावर इतनी अच्छी नहीं होती। ये सिर्फ और सिर्फ फॉर द सेक ऑफ मनी लिखते हैं। पीपल हु कैन राइट एनीथिंग फॉर मनी, जो कि मतलब ये वो आर्टिस्ट होते हैं जो पैसों के लिए कुछ भी लिख देते हैं। दे हु पोजेस नो आर्टिस्टिक इंटीग्रिटी, इनके अंदर कोई आर्टिस्टिक इंटीग्रिटी नहीं होती हैक आर्टिस्ट के अंदर। इन इट पोप सीवियरली क्रिटिसाइज हैक आर्टिस्ट। प्लीज रिमेंबर दिस कि डनसियर्ड में पोप जो है हैक आर्टिस्ट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। स्टुपिडिटी कॉन्क्वायर्स ऑल। सो डनसियर्ड के मतलब डनसियर्ड के अंदर पोप बताते हैं कि स्टुपिडिटी जो है वो सभी को जीत लेती है। इसके अंदर एक करेक्टर है, मेन हीरो है, जिसका नाम है कॉली किबर। सो ये इस वर्क में मेन हीरो है। ही रिप्रेजेंट्स एनीथिंग हु इज़ रॉन्ग इन आर्ट। कि ये कॉली किबर जो है इस वर्क में ये रिप्रेजेंट करता है एनीथिंग विच इज़ रॉन्ग इन आर्ट। कि जो भी मतलब आर्ट के अंदर आर्ट के वर्क के अंदर कुछ भी गलत है सो कॉली किबर जो है वो रिप्रेजेंट करता है इस वर्क में। ही एज द किंग ऑफ डलनेस, कि कॉली किबर को जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं पोप एज अ किंग ऑफ डलनेस। देन
किबर्स जॉब इज़ टू ब्रिंग डार्कनेस टू द वर्ल्ड, कि किबर की जॉब ये थी कि वर्ल्ड के अंदर जो है डार्कनेस को लेकर आना। ही इज़ टफिंग आउट लाइट, कि वो जो है लाइट रीज़न और ह्यूमैनिटी से जो है दूर होते चले जा रहे हैं। ही इज़ टफिंग आउट लाइट रीज़न ह्यूमैनिटी फ्रॉम द वर्ल्ड एंड इज़ रिप्लेसिंग इट विद इग्नोरेंस, और साथ ही साथ लाइट रीज़न और ह्यूमैनिटी को जो है अपनी तरफ से दूर करके जो है इग्नोरेंस को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं कॉली किबर इस वर्क के अंदर। सो मेनली हैक आर्टिस्ट को जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं कॉली किबर इस वर्क के अंदर। देन फ्रेंड्स, इसी के साथ ये लेक्चर ओवर होता है एंड फ्रेंड्स मैं ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म पर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर बनाऊंगी, तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड एंड फ्रेंड्स थैंक्स फॉर लिसनिंग टू दिस लेक्चर। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। होप दिस लेक्चर विल हेल्प यू इन योर UGC NET इंग्लिश लिटरेचर एग्जाम्स। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर लिसनिंग।